पर बात कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बिहार से बड़ी खबर की, आपको बता दें कि बिहार के नए स्पीकर होंगे आरजेडी विधायक अवध बिहारी। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सिवान सदर से विधायक है अवध बिहारी और सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच सहमति के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है। आरजेडी विधायक है अवध बिहारी, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और सीएम नीतीश के पास सिर्फ गृह विभाग रहेगा, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। तेजस्वी को डिप्टी सीएम के अलावा दो और विभाग जो है वो दिए जाएंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो सिवान सदर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी, जो आपको बता दें कि इनके नाम पर नीतीश और तेजस्वी के बीच सहमति जो है वो बन गई है। अब बिहार के नए स्पीकर के रूप में अवध बिहारी को आप देख पाएंगे, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर जो है वो मिल रही है। इसके अलावा बिहार के नए स्पीकर जब आरजेडी विधायक अवध बिहारी हो जाएंगे, तो अब बात आती है कि आखिर किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। तो तेजस्वी की बात करें, डिप्टी सीएम के अलावा दो और विभाग उनके पास फिलहाल जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम खुद बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के पास सिर्फ गृह विभाग रहने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक की ये पूरी खबर है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी 11:30 बजे यानी थोड़ी ही देर बाद जो है वो शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, 31 मंत्री ऐसे हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद विभागों का बंटवारा जो है वो कैसे होगा, किसके हिस्से में कौन सा विभाग आएगा, फिलहाल खींचतान की स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि नीतीश सरकार ने, सीएम नीतीश ने आपस में बैठ करके फॉर्मूला जो है तय कर लिया है, सहमति जो है वो बन गई है, और लिहाजा इसी वजह से अब स्पीकर के नाम की और चेहरे की जो तस्वीर है वो भी निकल कर सामने आ गई है कि आरजेडी विधायक अवध बिहारी जो है वो अब स्पीकर होंगे। सिवान सदर से ये विधायक है अवध बिहारी, तो सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच भी सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजीव, लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव, बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि बिहार के नए स्पीकर होंगे आरजेडी विधायक अवध बिहारी, क्या अपडेट? पास ये जानकारी जो है बिल्कुल सही आ रही है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाया जा सकता है आरजेडी की तरफ से। उसके अलावा मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के बीच जो है लगभग बातचीत तय हो गई है। मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से विस्तार की बात की, तो कई मंत्रालय, अहम मंत्रालय आरजेडी के पास रहेंगे। बीजेपी के तमाम जो मंत्रालय थे वो आरजेडी के पास रहेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास वित्त विभाग रहेगा। उसके अलावा जो तेज प्रताप यादव है उनके पास वन और पर्यावरण के साथ साथ और भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। तो देखिए, मंत्रालय को लेकर जो पोर्टफोलियो है, देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, तमाम कार्यकर्ता और नेता राजभवन पहुंच चुके हैं, और बस कुछ ही देर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 31 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और एक तरह से कह सकते हैं हम से जो संजीव, जिस भीड़ का जिक्र आप कर रहे हैं, आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या उस भीड़ में वही चेहरे नजर आ रहे हैं जिन पर कयास लगाया जा रहा है? देखिए, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ता है, लेकिन ठीक हमारे से आपसे कुछ दूरी पर तमाम जो आमंत्रण मिला है विधायकों को, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा ऊपर करके वो दिखाए मंच और तमाम जगह जहाँ की आगंतुकों का पूरी तरह से स्वागत, और किस तरह से कहाँ पे जिन जिन लोगों को मंत्री बनना है उनके स्थानों को वहाँ पर चयनित किया गया है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं की है, तमाम वो कार्यकर्ता जो आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता है वो हमारे पीछे है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने का। आज सरकार बन रही है, क्या कहें, कितनी खुशी आप लोगों को मिल रही है। खुशी है, सरकार बन रही है, आगे युवाओं के लिए अच्छा काम करेगी सरकार हमारी। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम लोग जो है वो, अगर आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार एक नए समीकरण के साथ जेडीयू आरजेडी सरकार में एक बड़े बहुमत के साथ आई है, क्या कहेंगे? सरकार बन रही है और विपक्ष का कहे पे कोई जगह ही नहीं बच गया है, क्योंकि 164 के विपरीत 80 है, तो उनसे चाहे बहुमत से हम लोग हैं, और हम तो यूं कहेंगे कि इस बार गरीबों की राज है। जी चलिए संजीव, कुछ तकनीकी खामी की वजह से जो तस्वीरें हैं वहाँ की वो क्लियर नहीं आ पा रही हैं, आपके पास हम आएंगे, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बिहार कैबिनेट का आज विस्तार होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी संजीव राय ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। देर के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी है राजभवन के आसपास, और आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, एक तरह से कहिए सरकार का गठन हो जाएगा। 31 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू और हम पार्टी से लगभग लगभग मुहर लग चुकी है।
तेजस्वी यादव जो हैं डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय जा सकता है उनके पास। उसके बाद अगर हम तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप यादव जो हैं पर्यावरण उनके पास जा सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो बीजेपी के पास थे वो अब कहीं ना कहीं आरजेडी के पास जाएगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें राजभवन में, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं उनका अब राजभवन आना शुरू हो गया है। ये कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए तमाम विधायकों की गाड़ियां, तमाम जो अध्यक्ष हैं, तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है अब आना शुरू कर दिए हैं। और जिन लोगों को निमंत्रण मिला है उन लोगों के लिए इन रास्तों से वो जाएंगे, और ये जिन जिन को निमंत्रण मिला है राजभवन आने का इन मार्गों से वो जाएँगे। और थोड़ी देर के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होगा आप देख सकते हैं पूरी तरह से गहमागहमी है। तमाम जो लोग हैं आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, तमाम वो लोग आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस कुछ ही देरी के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा और एक नई सरकार का बिहार में गठन होगा। सगुरीति के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना।